कठुआ में हुआ है। इस प्रकार के आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और मुझे आश्चर्य है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है केंद्र की सरकार को कि सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने हैं। सरकार दावा करती सदन के अंदर लोकसभा में विधान राज्यसभा में कि मामला बहुत बेहतर हो गया है, स्थिति नियंत्रण में है, वहाँ कोई अब गतिविधि नहीं है, लेकिन हमारे नौजवानों को अगर सीमा पार से शहीद लोग कर रहे हैं और उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है, जाने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम तो उनकी शहादत को नमन करते हैं जो फौज की वर्दी पहनकर देश की सरहद पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को तो कुछ करना पड़ेगा ना। इस प्रकार गतिविधि बढ़ रही है, आप दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने कश्मीर को बिल्कुल स्थिर कर दिया, हम आपको दिक्कत वाली समस्या प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे आतंकवादी घटनाएं अगर हो रही हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि इसको हम लोग चाहेंगे सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण दे, जवाब दे और सख्ती से कार्रवाई भी करे। हाँ, हम सब लोगों की विधायक दल की बैठक है, हम सब चर्चा करेंगे। देखिए बजट कल आएगा और शायद बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि राज्य सरकार का बजट पहले आ रहा है, केंद्र सरकार का बाद में आएगा। अब जो उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था, बहुत सारी बातें तो उस बजट की पूरी नहीं हो पाई हैं, तो देखते कल सरकार क्या बजट लेकर आती है। लेकिन जहाँ तक अब तक हमने रवैया देखा है, सरकार में तय नहीं हो पा रहा कि कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा, आपस में इतना खिंचाव है, इतने सारे सत्ता के केंद्र बन चुके हैं, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, वो स्वीकारा जा रहा है, अस्वीकारा किया जा रहा है, किसी को मालूम नहीं है, तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो ये सरकार को मुझे लगता है अपने कार्यशैली को सुधारना चाहिए, जनता ने बहुमत देकर राज करने का आपको निर्देश दिया है और अभी सरकार को सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं, लेकिन हर क्षेत्र में आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, सारे विकास के काम ठप पड़े हैं। जिन कामों की स्वीकृति हम लोग दे चुके थे हमारी सरकार में, जिनकी शासनिक स्वीकृति और आर्थिक स्वीकृति निकल चुकी है, उन कामों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो निर्माण काम विकास काम बिल्कुल ठप पड़े हैं। अब आचार संहिता का बहाना लेकर हम कब तक काम रोक के रखेंगे। तो हर क्षेत्र में बिजली पानी की जो किल्लत इस बार हुई है, शायद पहले इतनी कभी नहीं हुई, तो सरकार तो अपना काम नहीं कर पा रही है और मुझे लगता है कि जनता भी कल देखेगी किस प्रकार का बजट की सरकार लेकर आती है। नहीं, जो माननीय मंत्री इस प्रदेश के हैं उनको मुझे लगता है अपना ध्यान अपने डिपार्टमेंट पे, अपने कामों पर और जनता की सेवा पे लगाना चाहिए, और 24 घंटे सिर्फ बयान देना और विरोधियों पर टिकट भी करना मैं समझता हूँ सही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो घटना हुई यहाँ पर बहुत दर्दनाक हादसा हुआ और हमारे नौजवान इस कांस्टेबल की मौत हुई, इसकी मुझे लगता है कि पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को एक गहन, निष्पक्ष और एक ऐसी जांच करानी चाहिए जिससे पूरा तथ्य सामने आए। मैंने परिजनों से मुलाकात करी है और हम चाहेंगे कि सरकार इनके पूरे परिवार को जो मापदंड हैं उसके अनुसार पूरी मदद, सहायता, सहयोग करें। 3 छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई, उनके जो विधवा है उनके लिए धनराशि का संसाधन पर्याप्त मात्रा में पहुंच सकें और हर संभव सहयोग हम लोग भी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार का अगर हादसा हुआ है तो अलग प्रक्रम है, लेकिन अगर कहीं और कुछ अंदेशा जो परिवार को है उसका भी खुलासा होना चाहिए, लेकिन जांच के बाद होना चाहिए। तुरंत प्रभाव से अब तक एक व्यक्ति को डिटेन किया है, लेकिन कार्रवाई और जल्दी हो ताकि गलती की सजा तुरंत मिले और कोई व्यक्ति भी हो, मैं मानता हूँ चाहे ये जिला हो या प्रदेश हो, देश हो, कहीं कोई व्यक्ति गलत काम अगर करता है तो उसको उसके अनुरूप सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और लोगों को न्याय मिले। हमारी पूरी संवेदना पूरे परिवार के साथ है और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का प्रकरण कभी दोबारा ना हो इस जिले प्रदेश में। ये पहला मामला नहीं है, जहाँ तक ये बजरी का मामला है इस पर मुझे लगता है कि सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। अगर कहीं कोई गैर कानूनी काम हो रहा है उससे उसको अगर सरकार प्रशासन सख्ती से नहीं निपटेगी तो और लोगों के अंदर साहस बढ़ेगा इस प्रकार के काम करने के लिए, और अगर इस ऐसी घटनाओं से लोगों का मनोबल टूटता है। कल ये नौजवान पुलिस में काम करता था, पूरी पुलिस फोर्स का मनोबल टूटेगा अगर हम लोग सख्ती से नहीं निपटेंगे। तो मैं तो आग्रह करूँगा सरकार से भी कि सारी बातें छोड़कर अगर गैर कानूनी इलीगल गतिविधि कहीं हो रही है उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और हम लोग जो विपक्ष में हैं हम लोग पूरी मांग रखेंगे सदन के अंदर, सदन के बाहर, कि इलीगल गैर कानूनी कोई भी कार्रवाई हो, कोई कितना बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, लेकिन उसके कहने पर अगर सरकार आँख मूंद लेगी और गैर कानूनी कार्रवाई होती रहेगी उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने जो कहा है कि 3 छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए सरकार खर्चा उनका उठाए, शहीद के दर्जे की मांग रखी है, उसकी भी जांच सरकार को करनी चाहिए कैसे उसको हम दे सकते हैं,
रहने के लिए मकान, उनकी जो धर्मपत्नी है उनको आर्थिक मदद और इलाके में जो जो उनके लिए हम कर सकते हैं पूरा सहयोग हम लोग भी करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार भी तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करे और संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पर लोगों की मदद करने का, इस परिजन की पूरी मदद करने का काम करना चाहिए।